हाय बच्चों, तो आपने कभी सोचा है कि ये जो प्रेजेंटेशंस, इनविटेशंस, पोस्टर्स, ब्रोशर्स और बिजनेस कार्ड्स आप हर रोज़ देखते हैं, वे कैसे बनते हैं? तो आइए, आज मैं आपको एक ऐसी ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐप के बारे में बताऊंगी, जिससे हम सोशल मीडिया ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशंस, पोस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स या इत्यादि चीज़ें बना सकते हैं। तो उस ऐप का नाम है कैनवा। अब आपको अपना ब्राउज़र खोलना है एंड उस पर www.canva.com टाइप करना है। फिर उसके बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक करना है और फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिन जिन भी डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। अब आपको ऐसी शीट नज़र आएगी। अब अगर हम इसकी बाई तरफ देखें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, अपलोड्स, टेक्स्ट, बैकग्राउंड और भी बहुत कुछ। अब आपको दाईं तरफ दो ऑप्शंस दिखेंगे, जो कि हैं डुप्लीकेट पेज और ऐड पेज के। अब आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार कोई भी बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, लाइट या डार्क। अब आप अपलोड्स ऑप्शन में जाकर कोई सी भी अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑप्शन में जाकर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल, लाइन एट्सेट्रा। अब आप अपने अनुसार उस एलिमेंट की डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अब टेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके आपको कई सारे टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, उसमें से जो भी आपको सबसे अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। आप उसका कलर और फॉन्ट दोनों ही चेंज कर सकते हैं। आप अपने अनुसार भी कोई सा भी फॉन्ट और फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। अब आपको जो भी एलिमेंट्स पसंद आए, आप उसको अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक करके अपने डिज़ाइन को किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जैसे कि PNG, JPG, PDF। फोटोज़ भी एडिट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को कैनवा पर डिज़ाइंस कैसे बनाते हैं वह अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।